So at the end of the day, is Sehej Zildar natural. So today we have Sehej Zildar on the cards, a very popular fitness YouTuber and an Instagrammer as well. In fact, Sehej body stats and this is similar to Sakit gokle's body stats. तो मैं ये कर रहा हूं कि इंस्टाग्राम पे जो इनकी पहली पोस्ट है वहां चल के देखते हैं सो दिस इज फ्रॉम अक्टूबर 2018। ही यूज टू बी 15 इयर्स ओल्ड आई रेकन और यहां पे आप देख सकते हो कि ही इज हैविंग फुल सिक्स पैक एप्स ऑफकोर्स नॉट अ लॉर्ड ऑफ मसल बट अ स्किनी एक्टोमोर्फ जिसको आप कहेंगे ही हैज एन एथलेटिक बेसलाइन टू स्टार्ट विथ अच्छा फिर दिस इज फ्रॉम जुलाई 2019 यहां पे लिखा है फिटनेस इज नॉट ओनली अबाउट समवन बैरर इट्स अबाउट बींग बैरर यू यूज टू बी सो ही हैज अपेरेंटली स्टार्टेड ट्रेनिंग एंड लेट्स रीड सम ऑफ द कमेंट्स हेयर और यहां पे इन्होंने एक कमेंट का रिप्लाई किया है इसका मतलब है एज इनकी सोलह साल है और डेढ़ साल इनको हो गए हैं जिम करते हुए यानी एट दिस पॉइंट सहज डेढ़ साल से ट्रेनिंग करता हुआ आ रहा है दैट इज ही इज नॉट अवी और फिर चार महीने बाद दैट इज नवंबर 2019 ही ही हैजोन ए बिफोर एंड आफ्टर दिस इज ऑलमोस्ट टू इयर्स ऑफ वेट ट्रेनिंग डिफरेंस ही हैज मैनेज टू पैक ऑन डीसेंट अमाउंट ऑफ साइज एज नेचुरल लिफ्टर और अब तक ये अपने न्यू बी फेस से बाहर आ चुका है इनफैक्ट नवंबर 2019 के ही मंथ में सहज की पहली वीडियो आई थी यूट्यूब पे क्रॉसविट वर्कआउट के नाम से एंड हेयर वी कैन सी ही इज एथलेटिक टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा लगता है ऐसे लड़कों को देख के जो कि पबजी में अपना टाइम जाया करने के बजाय फिटनेस में खुद को एंगेज करता है एंड फॉर दिस पर थम्स अप अच्छा फिर सेकंड यूट्यूब वीडियो आती है फेब्री 2020 में जिसका नाम है हाउ आई सेट माय हेयर इन जस्ट फाइव मिनट्स एंड इट इज अग डे एंड इज सहज ने अपने बॉडी स्टैट डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मैं सोलह साल है वजन है तो ये लगभग आठ इंच बनता है सो इट इज अराउंड और इसी वीडियो में थोड़ा आगे चल के ही इज एबल टू स्कॉड फॉर हंड्रेड एंड ट्वेंटी To be honest, this is very impressive for a 58 kg kid. This shows that he has pretty good strength because he is able to lift more than double his body weight. अच्छा, फिर मई 2020 में वीडियो आती है, How I workout at home during lockdown. इसका भी अगर आप डिस्क्रिप्शन देखें, तो यहाँ पे मेंशन है, एक अगेन वही 16 साल, वेट भी सेम है, 58 किग्रीज हाइट अगेन सेम 5.7 फुट, that is around 5 foot 8 inches. So, चार महीनों में ही गेन मच और अब तक सहज को ट्रेनिंग करते हुए ऑलमोस्ट ढाई साल का अर्सा गुजर चुका है एंड आई वुड से ही लुकिंग वु गुड एज ए एज इन्फ्लुएंसर उसके बाद वी हैव दिस वीडियो जो के ऑलमोस्ट दो मंथ्स बाद आती है और इसका टाइटल है हाउ आई गेन टू ड्यूरिंग लॉकडाउन इसके डिस्क्रिप्शन में so he has gained about 2 inches of biceps in just 2 freaking months and then another youtube video 3 february 2021 how to boost testosterone naturally or description may he is promoting pct pro from doctor choice i mean why on earth you need this especially when you are a freaking teen anyhow age mention has 17 years 67.5 kg's weight and height is again same 5.7 feet यानी मैं इसको कंपेयर करूं लॉकडाउन वाली वीडियो से तो लॉकडाउन वाली वीडियो आई थी मई 2020 में जबकि ये वीडियो आई है फरवरी 2021 इस बीच इतना टाइम ड्यूरेशन है कि एक छोटा चुन्नू मुन्नू इस दुनिया में आ सकता है दैट इज मंथ्स हाइट की बात करता हूं तो हाइट दोनों केसेस में सेम है दैट इज फाइव फीट जबकि वेट की जब बात करते हैं तो दो मई के महीने में इनका वेट था एट के और अब इनका वेट है सिक्सटी सेवन इन फेब्री ट्वेंटी So this is almost 20 pounds of weight difference. Ab is 20 pounds mein kitna muscle hai? we need to check this out. So let's see what he has actually gained. Kya this fluff weight or this is exactly lean tissue. Of course there is some fat as well but majority I would say majority of it is muscle. So this is from YouTube Shorts. He is becoming impressive day by day. He still has the app cuts, which we have never seen the when he was just 58 kgs. In addition, he has pretty good vascularity as well. A then ye video hai, jiska title hai, plateau breaking arms workout, the thumbnail kathi hai, 17 year old having 17 inches of biceps. And to be honest, he has pretty good delt and trap separation. Vascular arms, and this kid is looking impressive as a seventeen year old Achha, ke description mein mention sixty six now again, moving back to the i g account, he has shown pretty good muscle development in the last one year, and this is very significant or this salceppel he had already trained for almost two and a half years. This may you actually exhaust majority of your potentially new muscular reserves. But he somehow managed to pack on at least 15 pounds of muscle in a matter of few months. This may you can literally see the ab cuts are there, the vascularity is there. And you can also say that maybe 2 he wasn't eating enough food, he couldn't afford it, he was just leaving gains on the table. But the way he has gained muscles with improved muscle maturity, that was in just 9 To be honest, this looks pretty suspicious to me because अगर आप उसकी ढाई साल की भी progress देखते हैं, so as a natural lifter, बहुत सारे लोगों का सपना होता है ऐसी physique develop करना, so as a natural lifter वो जो ढाई साल की इसकी physique progress है initial, that is very impressive to be honest. Even अगर आप मई 2020 की footage देखें, so it doesn't look like कि he is not eating enough food या in fact वो उसकी इसको afford नहीं कर सकता, in fact he is using some of the top notch expensive supplement brands. In fact, he's telling people to eat six meals a day. So, assume that he was anorexic and he was not eating enough food, leaving gains on the table. To be honest, this doesn't make any sense to me. In fact, I would have given Sehej the benefit of doubt if this improvement had months, but with increased muscle mass and improved muscle maturity, it's not only about the size; it's about the look of the muscle in just a matter of few months. ई थिंक इन फैक्ट ही इज टेकिंग समिंग मे बी इन माइक्रोडोज बट आई डोट पर्सनली थिंक कि सहज इज नेचुर अब यहां पर एक फैक्टर आ सकता है जिसको आप कहते हैं प्यूबर्टी येस प्यूबर्टी कैन बी अ गुड फैक्टर लेकिन अगर मैं इनकी साल देर साल दो साल की वीडियोज देख रहा हूं तो इसमें जो वो हाइट वाला एलिमेंट है ही हैज बीन प्रिटी क्लोजली मॉनिटरिंग हिज हाइट एज वेल इज वेट सो हाइट इज प्रंस्टेंट दैर सो दिस कैन बी ए गुड रेफरेंस टू अज्यूम टू कंसिडर के यस ही हैज इन फैक्ट रीच प्यूबर्टी लेकिन अगर चले मैं प्यूबर्टी के फैक्टर को एक सेकंड के लिए साइड लाइन भी रख दूं और अगर मैं कंसिडर करूं वो फैक्टर जो कि बहुत सारे टीनेजर्स के साथ होता है कि वो बहुत ज्यादा कमा नहीं रहे होते उस टाइम पे और उनके न्यूट्रिशन इट इज नॉट हंड्रेड परसेंट तो हमने इनफैक्ट उनकी कुछ वीडियोस में देखा है कि ही वॉज यूजिंग ऑप्टिमम न्यूट्रिशन एंड मसल टैक अब चाहे वो अच्छे हैं बुरे हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चाहे आप पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में हो जब आप ऑन या मसल टैक की प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं सो ऑफकोर्स देर फ्रिक एंड फ्रीडी एक्सपेंसिव तो एक लड़का जो कि एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स अफोर्ड कर सकता है सो so उसके लिए ये कंसिडर करना या अज्यूम करना कि ही नॉट ईटिंग इन फूड या बिकॉज वो अफोर्ड नहीं कर सकता था टू बी ऑनेस दिस डेक एनी सेंस टू मी अब ये कहना के पहले वो एक स्कूप कंज्यूम कर रहा था अब वो चार कंज्यूम कर रहा है कवर करना, very difficult because थोड़ी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन भी कैन लिटरली चेंज योअर डिसीजन जस्ट लाइक दैट आप में से शायद कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि क्योंकि मैंने साकेत को कहा था कि वो नेचुरल है और क्योंकि साकेत और सहज के बॉडी स्टैट सिमिलर है तो बहालत मजबूरी मुझे सहज को भी नेचुरल कहना पड़ेगा देखिए ऐसा नहीं होता इसकी मिसाल ऐसी है कि दो लोग हैं दोनों का जो टोटल टेस्ट्रोस्ट्रोन आया से फाइव हंड्रेड नैनोग्रामी उसको देख के लगता है ही इज वो कभी खाता नहीं है जिम जाना तो बहुत दूर की बात है दूसरा इज लाइक वेरी मस्क्यूलर आप उसे देख के गाओ वाहवेंटीन एटीन लेवल भी टोटल फाइव आया तो अब आप इससे क्या इन्फर करोगे क्योंकि वो जो स्किनी लड़का है उसका 500 सौ नैनोग्राम्स पर डेसी लीटर टेस्टॉस्ट्रॉन लेवल आया और क्योंकि वो रेफरेंस रेंज में है तो उस हिसाब से ये जो बॉडी बिल्डर लड़का है सेवनटीन एटीन इंच लुकिंग टैम फ्रिक एंड इम्प्रेसिव तो ये भी नेचुरल होगा बिकॉज उसका टेस्टॉस्ट्रोन लेवल रेफरेंस रेंज में है सो दिस ऑनेस्टली वर्क लाइक दैट इस तरह नहीं होता सो एट एंड ऑफ द डे इज डेज सहेजेलदार नेचुरल आई डोंट थिंक ही इज नेचुरल If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.